न्यू टाउन हिडको द्वारा बनाया जा रहा कोलकाता का न्यू टाउन तकरीबन 60 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बंगाल के नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आज तेजी से डेवलप हो रहा है। बताया जाता है कि नया टाउन सॉल्ट सिटी के बाद बंगाल की दूसरी सैटेलाइट टाउन है, जिसे 1990 के दशक में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु जी द्वारा प्लान किया गया था, जहां आज कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। आइए कुछ बड़े और शानदार मेगा प्रोजेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज के डेट में कौन कौन से प्रोजेक्ट न्यू टाउन में अंडर कंस्ट्रक्शन है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू टाउन की जो पहली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वह है इंफोसिस SDB प्रोजेक्ट। न्यू टाउन के मणिकसोदना में बनाया जा रहा है इंफोसिस SDB कोलकाता में इंफोसिस की यह पहली ऑफिस प्रोजेक्ट है। यहाँ पर SBD प्रोजेक्ट होने का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक के रूप में डेवलप कर रही है, जो तकरीबन 50 एकड़ एरिया में फैला होगा। अगर डिटेल में इसको समझने की कोशिश करें तो इसे जुलाई 2021 में प्रपोज किया गया था, वहीं 9 अक्टूबर 2021 को भूमि पूजन करके इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था, जिसका डेडलाइन 2024 फिक्स कर रखा है। बताया जाता है कि एक बार यह पूरी तरह से बन जाने के बाद तकरीबन 2000 IT प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। ऐसे में देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इसका 40% का वर्क पूरी तरह से कम्प्लीटेड है। न्यू टाउन की जो दूसरी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वह है वर्टिकल सिटी प्रोजेक्ट। 35 स्टोरी मिक्स्ड यूज बिल्डिंग के रूप में प्रपोज किया गया यह वर्टिकल सिटी प्रोजेक्ट हिडको द्वारा 163 करोड़ की लागत से 4 एकड़ लैंड में तैयार कर रही। बताया जाता है कि यह एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जहां रेसिडेंशियल टावर से लेके कॉमर्शियल शॉप और कई तरह के रिटेल शॉप्स यहां पे अवेलेबल हों। वर्टिकल सिटी को अभी फिलहाल प्रपोज किया गया है, कुछ ही महीनों में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि यह वर्टिकल सिटी जो कि कोलकाता की वन ऑफ द लैंडमार्क होने वाली है वो कब तक तैयार होती है। न्यू टाउन की तीसरी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ITC इंफोटेक पार्क। 17 एकड़ एरिया में प्लान किया गया ITC इंफोटेक पार्क 500 करोड़ की लागत से ITC इंफोटेक को तैयार किया जाएगा। बताया जाता है कि ITC इंफोटेक पार्क 5 एकड़ एरिया में फैला होगा, जो कि तकरीबन 5000 जॉब्स को यहाँ पे क्रिएट करेगी, डेवलप करेगी। अपडेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैपिडली काम हो रहा है, 2023 एंड तक हो सकता है कि यह बनकर तैयार भी हो जाए। तैयार होने से 5000 जॉब्स डायरेक्ट क्रिएट करेगी, वह इनडायरेक्ट जॉब भी 5000 अवेलेबल करवाएगी। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो विप्रो और इन्फोसिस के बीचों बीच में इसे प्लान किया गया है, जो आज तकरीबन बनने की कगार पर है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द तैयार हो। न्यू टाउन की अगली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है बंधन बैंक हेडक्वार्टर ऑफिस। पैरामिडल शिफ्ट में डिजाइन किया गया हेड ऑफिस प्रोजेक्ट 23 फ्लोर वाली एक हाईटेक बिल्डिंग के रूप में प्लान किया गया। बंधन बैंक को शांति निकेतन में तकरीबन 7000 स्क्वायर मीटर एरिया में प्लान किया गया है, कि आज के डेट में डेवलप भी हो रही है। डेवलप होने से तकरीबन 3000 जॉब्स क्रिएट होगी, वहीं आसपास का एरिया और भी बेहतर होगा। अपडेट्स के अकॉर्डिंग 50% का वर्क कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि 2023 में ही यह बनकर तैयार हो जाए। तो होप करेंगे कि जल्द से जल्द तैयार हो। न्यू टाउन की अगली अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट है ऑर्बिट अर्बन पार्क प्रोजेक्ट। ऑर्बिट ग्रुप द्वारा मिक्स्ड यूज कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल पर्पस के लिए डेवलप कराए ऑर्बिट अर्बन पार्क DLF 2 के नजदीक ही तकरीबन 5.39 एकड़ एरिया में तैयार कर रहा है, जहां सभी तरह की सुविधाएं अवेलेबल होगी। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग काम काफी तेजी से हो रहा है, 2026 में पोसेशन मिल सकती है। देखते हैं ऑर्बिट अर्बन पार्क जो कि तकरीबन 5.39 एकड़ एरिया में तैयार हो रहा है, वो अपने कहे समय तक तैयार होती है या फिर डिले होता है। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है कंडोर टेक स्पेस पार्क प्रोजेक्ट। कंडोर टेक स्पेस न्यू टाउन की एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जिसे टोटल 48.4 एकड़ एरिया में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में तैयार कर रहा है, जहाँ पे IT बिल्डिंग, कॉमर्शियल ब्लॉक, रिटेल शॉप, रेसिडेंशियल इत्यादि चीजों को बनाया जाना है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहली बार इस प्रोजेक्ट को 2005 में प्लान किया गया था, जो कि तकरीबन 30 से ज्यादा इसके अंदर बिल्डिंग बनाई जाएगी। अभी फिलहाल 12 बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और उम्मीद है कि सारे टावर्स 2025 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तैयार होने से बताया जाता है कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होगी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि ये कंडोर टेक स्पेस पार्क जो कि तकरीबन 48.4 एकड़ एरिया में प्लान किया गया है, बनाया जा रहा है, वो जल्द से जल्द तैयार हो। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है LTI माइंडट्रेस इनोवेशन कैंपस प्रोजेक्ट। न्यू टाउन के सिलिकॉन वैली कैंपस में बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट 10 स्टोरी बिल्डिंग के रूप में तकरीबन 3.6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया जा रहा है। बनने के बाद बताया जाता है कि 25,000 जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करेगी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यह बनकर तैयार हो। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा प्लान किया गया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 15 एकड़ एरिया में फैला होगा, जो कि इको पार्क के बिहाइंड में डियर पार्क के पास पोस्ट किया गया है।
बताया जाता है कि प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में की गई थी, जो कि 270 करोड़ की लागत से संघवी एंड एसोसिएट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार करेगी। अभी फिलहाल यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है और उम्मीद है कि 2024 एंड तक यह बनकर तैयार हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि यह नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो कि AIFF द्वारा बना रही है वो जल्द से जल्द तैयार हो। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है सोलर डोम प्रोजेक्ट। न्यू टाउन के इको पार्क में बनाए जा रहे डोम शेप्ड सोलर पार्क 3 फ्लोर के रूप में हिडको द्वारा 87 मीटर हाई डायमीटर के रूप में तैयार कर रही है। बताया जाता है कि अभी फिलहाल 80% का वर्क कंप्लीट हो गई है और 2023 एंड तक यह बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जो भी 20% का काम रह रहा है वो जल्द से जल्द तैयार हो। न्यू टाउन की अगली बड़ी और शानदार मेगा प्रोजेक्ट में से एक है बंगाल सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट। न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 में प्लान किया गया सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट 2018 में ममता बनर्जी जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया। बंगाल सिलिकॉन वैली को एक आईटी इंडस्ट्री टेक हब के रूप में 200 एकड़ एरिया में प्लान किया गया है, जो कि बेसिकली एक स्टार्टअप कल्चर को शुरू करने के लिए इस बंगाल सिलिकॉन वैली को प्रपोज किया गया है। बताया जाता है कि एक बार ये सिलिकॉन वैली तैयार होती है तो तकरीबन 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। बंगाल में स्टार्टअप कल्चर शुरू होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, कई सारे बेनिफिट है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बनाया भी जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द तैयार हो। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है मेफेयर होटल एंड रिजॉर्ट प्रोजेक्ट। 5-स्टार होटल के रूप में बनाया जा रहे होटल कम रिजॉर्ट राजा रहट एरिया में तकरीबन 4.7 एकड़ एरिया में बनाया जा रहा है। अब तक बताया जा रहा है कि 80% का वर्क कंप्लीट हो गई है, जहां तक 252 डिलक्स रूम को बनाया गया। लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग 2023 एंड तक यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, जो कि तकरीबन आज के डेट में 80% का वर्क कंप्लीट हो गया। ऐसे में देखना होगा कि ये मेफेयर होटल एंड रिजॉर्ट प्रोजेक्ट जो कि 5-स्टार होटल एंड रिजॉर्ट के रूप में तकरीबन 4.7 एकड़ एरिया में प्लान किया गया है, बनाया जा रहा है, वो कब तक तैयार होती है। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है NTT ग्लोबल डेटा सेंटर पार्क। 7.5 एकड़ एरिया में प्लान किया गया डेटा सेंटर पार्क 2000 करोड़ की लागत से NIT लिमिटेड द्वारा अनाउंस किया गया। बताया जाता है कि फेज 1 के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसे अगले 12 से 15 मंथ में बनाकर पूरा कर लिया जाएगा। बन जाने के बाद तकरीबन 10,000 से ज्यादा यहां पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। वहीं फेज 1 कंप्लीट होने के बाद फेज 2 को भी शुरू किया जाएगा, जिसमें भी 10,000 जॉब्स क्रिएट होगी। ऐसे में देखना होगा कि NTT लिमिटेड द्वारा जो इस ग्लोबल डेटा सेंटर को बना रही है वो कब तक बनकर तैयार होती है। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है श्री RSH ग्रुप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट पार्क के रूप में बनाए जा रहे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट न्यू टाउन के 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में RSH ग्रुप द्वारा डेवलप कर रही है। बताया जाता है कि यह कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है और तेजी से काम हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसे दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से बनाकर तैयार करके पोसेशन दिया जाना है। ऐसे में देखना होगा ये श्री RSH ग्रुप द्वारा जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को बना रही है वो तैयार होती है या फिर डिले होता है। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है ONGC कॉरपोरेट कैंपस प्रोजेक्ट। 186 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा कॉरपोरेट ऑफिस कैंपस न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 में प्लान किया गया, जिसका फाउंडेशन स्टोन 2022 में ही रखा गया है। बताया जाता है कि इस ONGC कॉरपोरेट कैंपस को हाफिज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि 186 करोड़ की लागत से तैयार करेगा। तैयार होने से 10,000 से ज्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होगी। इसे में उम्मीद करते हैं कि NGC कॉरपोरेट कैंपस जल्द से जल्द तैयार हो। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है इंटर स्टेट बस टर्मिनस प्रोजेक्ट। कोलकाता की लार्जेस्ट इंटर स्टेट बस टर्मिनल के रूप में प्लान किया गया प्रोजेक्ट न्यू टाउन में एक्शन एरिया 2 में 10 एकड़ एरिया में बनाया जाना प्रस्तावित है। बस टर्मिनल काफी फ्यूचरिस्टिक होगी, जिसे काफी शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। इंटर स्टेट बस टर्मिनल हिडको द्वारा बनाया जाएगा, जिसे 200 करोड़ की लागत से तैयार होगा। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट। RMJM द्वारा तैयार किया गया डिजाइन बेहद ही खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक लुक के रूप में इसे तैयार किया गया है। बताया जाता है कि कन्वेंशन सेंटर 100 एकड़ एरिया में फैला होगा, जहां पे 5-स्टार होटल से लेके रिटेल शॉप, मॉल, कई तरह के ऑफिसेस, ओपन एरिया, प्लाजा जैसे चीजों को बनाया जाएगा। अभी यह इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर प्लानिंग फेज में है, जो कि उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2023 में इसकी कंस्ट्रक्शन कभी भी शुरू हो सकती है। तो देखते हैं कॉन्वेंशन सेंटर जो कि 100 एकड़ एरिया में प्लान किया गया वो कब तक बनकर तैयार होता है। न्यू टाउन की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन टू न्यू टाउन प्रोजेक्ट। जैसा कि हम सभी को पता है कि मेट्रो में अभी लाइन 6 के रूप में मेट्रो परियोजना पर काम हो रहा है। ये मेट्रो लाइन 6 न्यू गरिया से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी और यही रूट
न्यू टाउन के रास्ते क्रॉस करेगी, और इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि न्यू टाउन आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है, और इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी को बेस्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए न्यू टाउन में मेट्रो होना बहुत ही ज़रूरी था। यह पूरा सेक्शन 30 किलोमीटर का होगा जिसमें सॉल्ट सिटी और न्यू टाउन को कनेक्ट करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो मेट्रो लाइन बन रही है वो जल्द से जल्द तैयार हो। इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे राइट्स ऑफिस, कैनरा बैंक का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, HDFC का रीजनल ऑफिस, NICL का कॉरपोरेट ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिस, यूको बैंक ऑफिस, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो आज के डेट में न्यू टाउन में काफ़ी तेज़ी से शेप ले रही है। ऐसे में आपका इस पर क्या व्यू है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।